मेरे दो भाई जो कि मुकम्मल तौर पर जख्मी हो गए थे, एक की तीन पसलियाँ क्रैक हो गई थी, एक की जो है ना वो रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई थी, तो एक भतीजी थी मेरी, तो उसी वक्त वो फोत हो गई थी। जलजला हुआ उसमें मेरी अम्मी की डेथ हुई है, जिससे काफ़ी हमें कहने की मुश्किलात आ गई थी। It was the first time we had the opportunity to work with Rota. They had a long relationship with the communities in AJK since the earthquake of 2005. And we've been working in Balakot in the Mansera area with the affectees ourselves. आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग गांव डोली से हूँ, और मेरे सात भाई तीन बहनें और मेरे अम्मी अबू की डेथ हो चुकी है। मेरा नाम साजिद केनिया है, मैं आज़ाद कश्मीर बाग का रहने वाला हूँ। 2005 के जलजला के बाद रीच आउट एशिया ने 17 स्कूलों की परमानेंट कंस्ट्रक्शन के बाद आशू फाउंडेशन के साथ कोलाबोरेशन में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और 2011 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये ट्रेनिंग का पहले सर्वे हुआ था, उसके बाद सर्वे होने के बाद फिर पोस्टर भी लगे थे। हमारी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के दौरान डोर टू डोर सर्वे किया गया। ये आशू फाउंडेशन की एक टीम हमारे घर घर गई थी, उन्होंने हमें बताया कि आपके करीबी जो है ना एक दफ्तर खुला हुआ जिसमें मुफ्त जो है ना वो ट्रेनिंग दी जा रही है मुख्तलिफ किस्म की। 10 डिफरेंट ट्रेड जिनमें लोगों को ट्रेन किया गया, उसमें बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, प्लम्बिंग, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, हनी बी कीपिंग, डेयरी एंड लाइफ स्टॉक, उसके अलावा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, वेजिटेबल कल्टीवेशन शामिल थे। स्टार्टिंग में यानी सिर्फ लड़के जाते थे, उसके बाद फिर करते करते फिर जब वहाँ का माहौल सबको इनके पता चला फिर तो फिर मेरे घर वालों ने हमें भेजा। इसके तहत 2000 लोगों को जो है ट्रेन किया गया, इसमें 50% जो हैं तकरीबन ख्वातीन शामिल हैं, जो कि अभी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपना जो है वो किरदार अदा कर रही हैं। 3 माह की ट्रेनिंग के बाद अब मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, और मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों के कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ। 3-4 हज़ार ईद पे, शादियों पे, वो भी मैं अपने घर की यानी सेविंग कर लेती हूँ। मैंने जो काम किया है उसी काम से मैंने अपनी शादी भी की है। पहले तो मैं जब मेरे पास ये बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का हुनर नहीं था, उस वक्त तो मैं तो फारग था, तो इस काम में मैं अच्छा खासा जो है ना मैं पैसे कमा भी रहा हूँ और घर का निज़ाम चला रहा हूँ। इस हुनर की वजह से आज मैं यानी कि अपने समझो एक अपने बलबूते पे कुछ कर सकती हूँ। पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद यंग जनरेशन हु इज एस्पायरिंग एंड जस्ट डाइंग टू डू थिंग्स बट दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं सेंटर खोलूं, और आप जो मुझे इनकम होती है उससे मैं अपने बहन भाइयों को भी देती हूँ, उनको जो जरूरत होती है उनकी भी करती हूँ, अपने भी यानी कि किसी की मोहताज नहीं हूँ मैं। काम तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरी एक सोच है कि मैं एक यहाँ पे बाजार के अंदर एक दुकान का काम करूँ, जहाँ से ये मैं बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का सामान रखूँ और फरोख्त भी करूँगा, साथ काम भी जाके खुद करूँगा। Our relationship with Rota, this current project will come to an end in August this year, but we have having made a presence and seen the benefits of that presence, we would seriously looking at a more permanent and long term way of sustaining our presence there. Our focus will remain economic development. Our trainings and our skill development only does half of the job. You know, at the end of the day, it's not what skills you have, how much money you have, it's the quality of life. And that is the final indicator. If we've helped an individual or
a family or a community to improve the quality of life, then I think we've done a reasonably good job.